आजकल भक्त कहते फिर रहे हैं, जब मोदी जी अपनी मर्जी से काम करते थे तो उनको निरंकुश तानाशाह कहा जाता था, अब जब वो विपक्ष की और सहयोगियों की सुनकर अपने फैसले बदल रहे हैं तो उन्हें कमजोर कहा जाता है, ये क्या बात हुई भला। अरे नादानों, मोदी जी उदार दिल के नहीं हुए हैं, इस देश के लोगों ने, इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश के संविधान ने उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। अब ये अलग बात है कि ये बात जो है वो भक्तों से पच नहीं रही है। आजकल भक्त कहते फिर रहे हैं, जब मोदी जी अपनी मर्जी से काम करते थे तो उनको निरंकुश तानाशाह कहा जाता था, अब जब वो विपक्ष की और सहयोगियों की सुनकर अपने फैसले बदल रहे हैं तो उन्हें कमजोर कहा जाता है, ये क्या बात हुई भला। अरे नादानों, मोदी जी उदार दिल के नहीं हुए हैं, इस देश के लोगों ने, इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश के संविधान ने उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। अब ये अलग बात है कि ये बात जो है वो भक्तों से पच नहीं रही है। आजकल भक्त कहते फिर रहे हैं, जब मोदी जी अपनी मर्जी से काम करते थे तो उनको निरंकुश तानाशाह कहा जाता था, अब जब वो विपक्ष की और सहयोगियों की सुनकर अपने फैसले बदल रहे हैं तो उन्हें कमजोर कहा जाता है, ये क्या बात हुई भला। अरे नादानों, मोदी जी उदार दिल के नहीं हुए हैं, इस देश के लोगों ने, इस देश के लोकतंत्र ने, इस देश के संविधान ने उनका दिमाग ठिकाने लगा दिया है। अब ये अलग बात है कि ये बात जो है वो भक्तों से पच नहीं।